हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि पंतनगर का एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, आपको mth टर्म n के इक्वल दिया हुआ है और nth टर्म m के इक्वल दिया हुआ है, तो आपको pth टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका शॉर्टकट है, जब mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो pth टर्म जो निकलता है वो ऐसे निकलता है m प्लस एन माइनस पी करके। ये कैसे निकल के आया, यहाँ पे इसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो। इस पे देखिए और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि 10th टर्म 30 है और 30th टर्म 10 दिया हुआ है, तो जब वो आपसे 50th टर्म पूछे तो 50th टर्म कैसे निकालोगे, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों का एडिशन लेना है, 30 प्लस 10 और माइनस कर देना है 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 10। तो ऐसे हम यहाँ पे इस शॉर्टकट का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, तो एग्जांपल नंबर 5 पे हमें SN दिया हुआ है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो जब हमें SN दिया हुआ है, जब हमें AP का SN दिया हुआ है और जब आपसे डिफरेंस पूछेगा तो इसका शॉर्टकट ये है, तो जो D इक्वल टू होता है वो होता है हमारे S2 माइनस 2S1 के इक्वल होता है। अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में S2 कैसे फाइंड आउट करोगे, आप N को 2 रिप्लेस कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पे N को 2 से रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2P, यहाँ पे N को 2 से रिप्लेस करोगे 2 से 2 कट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2P प्लस Q माइनस 2S1, S1 मीन्स N को 1 से रिप्लेस करो, तो जब आप N को 1 से रिप्लेस करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से केवल P बचेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा Q, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आंसर इनका Q आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी इसका शॉर्टकट है, जब आपको SN दिया हुआ है तो आप D को ऐसे फाइंड आउट करोगे, S2 माइनस 2S1। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, तो एग्जांपल नंबर 6 पे हमें दो डिफरेंट AP दिया हुआ है जिनके n टर्म्स का जो सम है, उनके n टर्म्स का सम हमें ये दिया हुआ है, तब आपको 12 टर्म्स के सम का रेशियो फाइंड आउट करना है। दोनों AP जो आपको गिवन है उसके 12th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, जब आपको n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है और वापस n की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इससे आपका जो होगा 12th टर्म का रेशियो आ जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पे शॉर्टकट क्या होता है, जब आपसे वो 12th टर्म का रेशियो पूछ रहा है तो आपने क्या करना है, 12 में 1 कम करना है यानी 11, अब आपने 11 का ट्वाइस करके 1 ऐड कर देना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 23, तो मींस हमें n की वैल्यू 23 मिल गई। तो जब आप वापस n को यहाँ पे 23 पुट करेंगे तो हमारा ये 12th टर्म का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनका पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं, तो यहाँ इन्होंने पूरा सॉल्व करके फाइनली n की वैल्यू को 23 फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखना है वो हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, SN दिया हुआ है तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, तो डिफरेंस हो जाएगा S2 माइनस 2S1। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है, आपको 18th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, मैंने आपको बताया कि जब वो 18th टर्म का रेशियो पूछ रहा है तो आपने क्या करना है, 18th में 1 कम करना है 17, बाद में इस 17 का ट्वाइस करना है और उस पर 1 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35, मीन्स n की वैल्यू आ गई 35। अब आप वापस n को यहाँ पे 35 पुट करके रेशियो निकाल लीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि जब p टर्म्स का सम q टर्म्स के सम के इक्वल होता है तब फर्स्ट p प्लस q टर्म्स का सम जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कि जब हमें दिया हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स SP इक्वल टू SQ, तो आपको फर्स्ट p प्लस q टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो ये 0 आता है। तो देखिए इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई AP ली -4 -2 0 2 4
इसको एक और टर्म से ले लो यहाँ पे माइनस का सिक्स, यहाँ पे सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि जो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम होगा, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम वो हमारा ये वाला होगा। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम आप देखेंगे कि फर्स्ट फोर टर्म्स के सम के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि फोर टर्म हमारे क्या है, जीरो। तो जब एस थ्री एस फोर के इक्वल है तब देखिए एस सेवन किसके इक्वल आएगा, तो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन टर्म्स का सम लीजिए, तो माइनस सिक्स को सिक्स कैंसिल आउट करेगा, माइनस फोर को फोर, माइनस टू को टू, और यहाँ पे जीरो। तो यानी आपने देखा जब एस थ्री एस फोर के इक्वल है तो एस सेवन किसके इक्वल आ गया, ये हमारा जीरो के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तो आप एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बन सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए हमें गिवन है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये अरिथमेटिक मीन है ए और बी का, तब आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर आप दो नंबर्स लेंगे ए और बी, तो इनके बीच का जो एरिथमेटिक मीन होगा, इनके बीच का एरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई टू। तो इस a प्लस बी बाई टू को किसके इक्वल होना है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन के इक्वल होना है। तो जब ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा तो वहाँ पे आपको n की वैल्यू गिवन होगी। तो n की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल जीरो भी ऑप्शन में हो सकता है, वन होगा, टू होगा, और एन इक्वल टू माइनस वन होगा। तब आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व मत करिए, आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करिए। तो आपने क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ऊपर हमें कितना लाना है, ए की पावर वन बी की पावर वन, तो यानी आप इस एन को क्या रखेंगे, वन पुट करेंगे। तो देखिए जब आप एन को यहाँ पे वन पुट करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा यहाँ पे ए की पावर वन प्लस बी की पावर वन अपॉन अपॉन में कितना आएगा, जब आप यहाँ पे एन को वन से रिप्लेस करोगे तो ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो मीन्स वन प्लस वन, ये कितना बन जाएगा टू। तो इसका मीन्स यहाँ पे n कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा।